एक समय था जब लोगों को लॉटरी लगने एटीएम का पासवर्ड पूछकर ठगी किया जाता था, लेकिन अब जालसाजों ने ठगी का पैटर्न ही बदल दिया है। जालसाज अब अपने आप को एसपी, डीएसपी और टीआई बताकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। धमतरी में इन दिनों जालसाज कुछ कारोबारियों को फोन कर उनके बेटों को पकड़ लेने और जेल नहीं भेजने के नाम पर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में कारोबारी जालसाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस के द्वारा कभी भी इस तरह का कॉल नहीं किया जाता है। ऐसे भ्रामक कॉल से होने वाली ठगी से बचने के लिए लोगों को सचेत रहना चाहिए। वहीं इस मामले पर धमतरी एसपी ने कहा कि चलित थानों के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड की लगातार जानकारी दी जा रही है। जल्द ही जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। टीआई बोल रहा हूं मैं, और तुम्हारी बच्ची जो है वो अभी हमारे साथ थाने में बैठी हुई है, और उसके खिलाफ हम ये फला फला केस बनाए हैं और ये फलानी फलानी धाराएं हम लगाने जा रहे हैं। चूंकि अभी हमने देखा कि ये सभ्य घर की बच्ची दिख रही, तो हमने इससे आपके नंबर लिए हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। मेरे को कॉल आया, बोले मैं नागपुर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपके यहाँ होटल में लड़का लड़की रुके थे और लड़के ने उस लड़के साथ गलत वो किया है और उसके दोस्तों ने लड़के का गैंग रेप कर दिया है, तो इस वजह से आपके होटल का इमिग्रेशन में आपके होटल का नाम आया है और आपके होटल को हमको सील करना पड़ेगा। तो मैं होटल का मामला था थोड़ा सा सोचा कि मतलब क्यों, क्या कोई लड़के का नाम क्या है बताइए करिए, तो उसने बोला करके कि नहीं, अगर आपको हमारे टीआई से बात कर लो और कॉम्प्रोमाइज करना है तो बता दो। जी, हमें भी इस प्रकार की जानकारी मिली है कि कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी प्रकार की कॉल आई हैं जिसमें वो लोग भ्रामक बातें भूल करके लोगों को फंसा करके पैसे निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिनसे हमें शिकायत मिली है हम उस पर जाँच कर रहे हैं। दूसरा, मैं लोगों से अपील करूँगा, इस प्रकार की भ्रामक बातें बोलते हैं कि आपके बच्चे का रोड एक्सीडेंट हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई है, तो इसमें हम निश्चित तौर पर तस्दीक कर लें, उसके बाद में ही कुछ भी हम अपने स्तर पर करें। उसमें हम पुलिस जांच कर रही है अपने स्तर पर, और जहां कहीं भी हमें लगेगा तो हम सुसंगत धर्म अपराध दर्ज करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे।